सो so, ये क्वेश्चन है नीट का और बहुत कॉमन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं इंक्लाइन प्लेन पे बहुत सारे एग्जाम मेडिकल में एम्स में आई मेन में बहुत क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का और स्मूथ और रफ ये है स्मूथ प्लेन जिसमें बॉडी स्लाइड कर रहा है और उसमें टाइम लगा टी वन और रफ प्लेन पे स्लाइड किया और रफ़ प्लेन पर स्लाइड करने पर टाइम डबल लग रहा तो इसमें एंगल uh, है फोर्टी डिग्री सेम ब्लॉक है और मुझे कॉफी ऑफ फ्रिक्सन चाहिए तो टाइम स्लाइडिंग टाइम जो है अगर मैं ये रिलेट करूँ सेम प्लेन है सेम आपका ये जो भी डिस्टेंस है वो सेम है तो अगर हम लोग प्लान करेंगे स्लाइडिंग टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और ये हम लोग पढ़े हुए हैं एस एजॉल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर तो ए टी स्क्वायर यू का वैल्यू जीरो है और यहाँ पे टाइम स्लाइडिंग टाइम जो हो गया वो अंडर टू एल बाई ये ये जीरो है टू एल बाई ये स्लाइडिंग टाइम है बाकी आप जानते हैं कि एसलेसन और स्मूथ प्लेन का एसिलेशन जानते हैं रफ प्लेन का आप जानते हैं कि इसका एसलेशन जो होता है वो साइंस में होता है जी साइन थीटा और इसका एसलेसन होता है जी साइन थ्रीटा माइनस म्यूकोस्था साइन थ्रीटा माइनस थीटा ये है एसलेसन के लिए रिजेक्ट जो पढ़े हुए हैं बाकी आप सेट कर लीजिए बाकी हम लोग प्लान करते हैं टी टू इज टू टू टी वन टी टू का मतलब अंडर रूट टू एल अंडर रूट टू एल बाई ए ए टू इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू एल ए वन कर लेंगे स्क्वायर करना है तो वन बाई ए टू वन बाई ए टू और स्क्वायर करेंगे तो फोर और इंटू वन बाई ए वन सो ए वन इज इक्वल टू हो गया फोर इंटू ए टू ए वन और ये क्रॉस कर लेंगे तो फोर ए टू तो एवन ए वन जो हुआ वो है जी जी साइन थ्रीटा जो टू फोर ए टू ए टू है जी और साइन थ्रीटा माइनस म्यू कॉस थ्रीटा ठीक है ये हो गया और फोर्टी फाइव डिग्री सो ये जी और जी कैंसिल हो गया साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाय रूट टू हो गया और ये हुआ फोर और ये है वन बाय रूट टू और माइनस म्यू बाय रूट टू सो म्यू और वन बाय रूट टू तो वन बाय रूट टू कैंसिल हो गया और वन इज इक्वल टू फोर वन माइनस म्यू सो ये है वन बाय फोर इज इक्वल टू वन माइनस म्यू सो वन माइनस म्यू इज इक्वल टू वन बाय फोर सो म्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर सो जीरो पॉइंट सेवन फाइव होगा ही एकदम आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है ठीक है बट ये सब करना है एक मिनट में आपको और इंक्लाइंट प्लेन जिसमें एक रफ और रफ होना एक स्मूथ होना या एक ही प्लेन पे रफ स्मूथ दोनों देता है बहुत क्वेश्चन है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ फ्रिक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है और इस बार एंगल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल जो 45 डिग्री था वो नहीं लिखा हुआ है आप जानते हैं टाइम ऑफ स्लाइड आपका रिजल्ट जो है वो एस इज इक्वल टू और यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम ऑफ स्लाइड हुआ वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू जीरो है तो अंडर उल बाई ए ये चलिए तो प्लानिंग करते हैं टाइम ऑफ स्लाइड जो t2 है वो n t1 है t2 टू और इज इक्वल टू जो है n इन टू टी वन है सो so, अगर मैं t2 का स्क्वायर कर दूं मान लीजिए t2 टू स्क्वायर कर दूं तो वो n स्क्वायर और यहाँ t1 स्क्वायर हो गया और t2 टू स्क्वायर ये है टू एल और डिवाइड बाई ए टू और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर और टू एल और डिवाइड बाई ए वन ऐसा हो जाएगा मतलब a1 वन इज इक्वल टू और एन स्क्वायर और ए टू ये ये रिजल्ट मिला और a1 वन जो है वो स्मूथ प्लेन के लिए है और टू जो है रफ प्लेन के लिए है स्मूथ प्लेन का डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन का एसोलेशन होता है जी और साइन थीटा और यहाँ पे है एन स्क्वायर और यहाँ जी साइन थीटा माइनस म्यू थीटा साइन थीटा माइनस म्यू और कॉस थीटा ये है रिजल्ट तो जी एंड जी कैंसिल हो गया सो so, ये है साइन थीटा एन स्क्वायर साइन थिएटर माइनस एन स्क्वायर म्यू और एन स्क्वायर कॉस थिएटर ये ऐसा सो so, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस साइड में हमें निकालना है म्यू और एन स्क्वायर कॉस थिएटर सो ये है एन स्क्वायर माइनस वन और ये साइन थिएटर हो जाएगा सो so, हमें म्यू चाहिए तो म्यू जो हो गया यहाँ पे साइन थिएटर और डिवाइड बाई कॉस थीटा और ये है एन स्क्वायर माइनस वन और डिवाइड बाई एन स्क्वायर तो इस तरह जो म्यू कॉफी ऑफ फ्रिक्शन जो हो गया यहाँ से डिवाइड करेंगे वो टेन थीटा हो जाएगा और इनटू वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर हो गया इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट मैं सर्च करता हूँ डिफरेंट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ तो ये नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न पे है एक ही जैसा हो और ये भी एम्स में भी पूछा हुआ है नीट में भी है पीएमटी में भी है और बहुत कॉमन ठीक है अभी तीनों क्वेश्चन का एक ही पैटर्न है कि यहाँ पे जो टाइम ऑफ स्लाइड जो हुआ अंडर रूट और टू और एल और डिवाइड बाई एस ये है आपका मान लीजिए इसका स्मूथ है तो एस ए और रफ है तो एस ए कर लेते हैं सो so, ये है आपका यहाँ पे टाइम ऑफ स्लाइड अगर टी कर रहे हैं यहाँ पे टी सो so, ये फर्स्ट केस में t है तो t इज इक्वल टू अंडर उल और टू एल और डिवाइड बाई एस लेसन ए वन ए वन हुआ और यहाँ पे टाइमिंग टू है टू टी है तो टू टी इज इक्वल टू अंडर उल और टाइम ऑफ स्लाइड जो है वो एस है ए टू है न दोनों में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ टू और टी टी पुट करेंगे तो अंडर उल बाई ए वन और यहाँ पे आ जाएगा ये अंडर टू, बाई ए टू, अंडर टू, बाई ए टू ऐसे आ गया अब अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये फोर और ए टू इज इक्वल टू ए वन, ये हो गया सॉल्व करना है हम लोग को फोर है ए टू ए टू इज इक्वल टू हुआ जी साइन थिएटा माइनस म्यू कॉस थिएटा ए वन एवन इज इक्वल टू जी एसलेसन जी और साइन थिएटा सॉल्व कर लीजिए ऐसे फोर साइन थिएटा माइनस फोर इंटू म्यू कॉस थिएटा इज इक्वल टू साइन थिएटा इसमें से घटाएंगे सो थ्री इंटू साइन थिएटा इज इक्वल टू फोर इंटू म्यू इंटू कॉस थ्रीटा तो इस तरह म्यू म्यू जो चाहिए था वो है थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर टेन थ्रीटा तो ऑप्शन में रहेगा थ्री बाई फोर टैन थ्रीटा और एम्स में पूछा हुआ तो तो इसी को पूछ रहा है ऐसे कि ये आंसर हो गया थ्री बाई फोर टेन थ्रीटा नीचे कर देंगे तो ये कॉट थीटा हो जाएगा ठीक है ऐसे तो नीट में पूछा हुआ था कि अगर थीटा फोर्टी फाइव डिग्री कर देंगे अगर थीटा एंगल फोर्टी फाइव डिग्री रहेगा तो थीटा फोर्टी फाइव डिग्री में वो वन हो जाएगा थ्री बाई फोर हो जाएगा तो ये बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये प्रेजेंट किया था और ये भी इंक्लाइन प्लेन पे है और कुछ सेक्शन जैसे पी टू क्यू स्मूथ है क्यू टू आर जो रफ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और आते आते फाइनल स्पीड भी इसका जीरो लिखा हुआ है थ्रीडा थर्टी डिग्री है और ये वन मीटर ये टू मीटर रफ सरफेस का कॉफी ऑफ फ्रिक्स चाहिए तो हम लोग प्लान करेंगे सबसे पहले पी टू क्यू के लिए पी टू क्यू के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्पीड निकाल लेंगे और फिर क्यू टू आर के लिए फिर से यूज करेंगे So, हम लोग प्लान करते हैं फ्रॉम पी टू क्यू अगर हम लोग पी से क्यू के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से यहां तक के लिए फ्रॉम मोशन फ्रॉम पी टू क्यू फ्रॉम पी टू क्यू पी से क्यू के लिए हम लोग को प्लानिंग करना है पी से क्यू मोशन करना है ठीक है तो पी से क्यू के लिए हम लोग प्लान करेंगे तो ये जो फंक्शन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस और टू ए एस ये प्लानिंग करना है तो फाइनल यहाँ पे है वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर जो है जीरो और प्लस टू और एस एलरे यहाँ नीचे जाएंगे स्मूथ है ना स्मूथ सरफेस के लिए जी साइन थीटा और डिस्टेंस डिस्टेंस है एस एस है वन मीटर सो so, जी मैं टेन ले ले रहा हूँ और साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू और सो so ये हुआ वन बाई टू वन बाई टू कट गया और यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट क्यू तो ये आप चेक कर लेंगे ये जी और टेन हुआ ट्वेंटी और वन बाई टू टेन ये रूट टेन हो गया और ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड ये स्पीड एट पॉइंट क्यू हो गया नेक्स्ट अगर हम लोग प्लान करेंगे क्यू टू आर के लिए नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्यू टू आर ये है Q और Q से R के लिए ये डिस्टेंस है 2 मीटर यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ है स्पीड एट पॉइंट Q और ये है स्पीड जीरो यहाँ पे स्पीड जो है इस पॉइंट पे जीरो है रफ़ सरफेस है तो इसका जानते हैं रफ सरफेस के लिए ऐसे पढ़े हुए हैं आप चलिए अब हम लोग अगर प्लान करेंगे मोशन फ्रॉम क्यू टू आर सो मोशन फ्रॉम क्यू टू आर अब बताइए फिर से प्लान करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस और टू और ए एस फाइनल स्पीड फाइनल स्पीड जीरो इनिशियल स्पीड और वी क्यू का स्क्वायर और प्लस टू एक्सलेशन हुआ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और एस एस का वैल्यू जो है वो टू मीटर ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे यह है जीरो और यह यहाँ पे है आ, टेन हो जाएगा और प्लस आ, ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी हो गया और टू वहाँ से भी टू ले लेंगे तो फोर्टी हो गया और साइन थ्रीटा वन बाई टू माइनस म्यू और रूट थ्री बाई टू ये सॉल्व करना है हम लोग को ये ये टू कॉमन निकल जाएगा टेन और प्लस ट्वेंटी और ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी और रूट थ्री इंटू म्यू एस सो so, 20 हो गया माइनस ट्वेंटी रूट थ्री इंटू म्यू नौ जीरो और इस साइड हो गया 30 और माइनस ट्वेंटी और रूट थ्री इंटू म्यू सो थर्टी इज इक्वल टू ये है ट्वेंटी रूट थ्री इंटू म्यू ठीक है ये कट जाएगा तो म्यू का वैल्यू जो हो गया वो है थ्री बाई टू रूट थ्री ऐसे तो म्यू का वैल्यू जो हो गया वो रूट थ्री बाई टू सेंसर है रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू ये चेक करता हूँ है यस रूट थ्री बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नीट का अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और एक ब्लॉक है और ये एंगल ऑफ इंक्लेशन बढ़ते बढ़ते जब थर्टी डिग्री हो गया तो ब्लॉक स्टार्ट स्लाइड और स्लाइड का मतलब स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऐसे और वो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है फोर मीटर और वो कंप्लीट कर रहा है फोर सेकेंड में तो मुझे कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कॉफिस्टेंट ऑफ कैनेडिक फ्रिक्शन चाहिए तो ये बताइए आप ये तो पढ़े हुए हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है कॉफिस्टेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में ये तो रिजल्ट है आपका तो ये बड़ा होना चाहिए तो ये आंसर ए तो नहीं हो सकता है ये बड़ा है ये छोटा है ये हो सकता है ये छोटा बड़ा ये नहीं हो सकता है दो आंसर तो ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए ए पॉसिबल नहीं है सी पॉसिबल नहीं है बी और डी हो सकता है अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्लॉक जो है वो मोशन स्टार्ट करेगा अब सोचिए ऐसे तो ब्लॉक जो है वो मोशन स्टार्ट करेगा यह है एंगल थीटा और ये ब्लॉक है स्टार्ट करना है रेस्ट से रेस्ट रेस से स्टार्ट करिए और यहाँ से मोशन स्टार्ट करेंगे यह है मोशन ये तो जब मोशन नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा ब्लॉक मूव करेगा मोशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा जो एसेलेसन लिखेंगे क्योंकि रफ सरफेस है तो एसेलेसन इज इक्वल टू जी लिखते हैं और साइन थीटा और माइनस म्यू म्यू का मतलब म्यू के और इंटू पॉस थिएटर साइन थिएटर माइनस म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि ये मोशन है ब्लॉक का मोशन है बाकी अब यूज कर लेंगे एस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्कॉल प्लस हाफ और ए और टी स्क्वायर तो एस एस जो हो गया और इज इक्वल टू यू जीरो एस का वैल्यू हो गया एल यू का वैल्यू जीरो हुआ हाफ एस जी और साइन थीटा और माइनस म्यू के ये म्यू के है इनटू कॉस थीटा और इनटू और टी स्क्वायर ये है एस हो गया बाकी अब पुट कर लेते हैं ये एल का वैल्यू जो है वो फोर और ये है वन बाई टू जी का वैल्यू हुआ टेन और यहाँ एंगल है थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू माइनस म्यू के इंटू रूट थ्री बाई टू और ये टी स्क्वायर टाइमिंग जो है वो फोर फोर इंटू फोर हो गया तो एक फोर एक फोर ये कैंसिल हो गया सो so ये हुआ आपका वन और ये हो गया फाइव बाई टू ये कट जाएगा तो फाइव और बाई टू और वन माइनस म्यू के और रूट थ्री इंटू फोर 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 कर लेंगे तो फोर करेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा चेक करेंगे ये है फोर और यहाँ पे हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक पूरा इसको हटाइए ना पूरा हटाइए देखिए यहाँ पे ये टू टू बाहर निकल गया फोर ये टेन हो गया ठीक है ये इसको इधर करेंगे तो ये है पॉइंट वन और इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री और इंटू म्यूके स वो जीरो पॉइंट नाइन और डिवाइड बाई और रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री तो म्यूके जीरो पॉइंट नाइन डिवाइड बाई वन पॉइंट सेवन थ्री सो पॉइंट नाइन डिवाइड बाई वन पॉइंट सेवन थ्री जीरो पॉइंट फाइव टू सो अप्रोक्सीमेटली ऐसे हम लोग प्लान करेंगे म्यू के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि जो ऑप्शन में है वो हम लो, हम लोग को लेना है और ये म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू के ये तो जानते हैं हम लोग तो जो बेस्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लीजिए ये है जीरो पॉइंट फाइव और ये उससे ज़्यादा आंसर है बी तो इंक्लाइन प्लेन पे बहुत क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11. सर so, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किया था और ये खूब आया हुआ है ये ये क्वेश्चन आई टी मेन का है इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये अपर हाफ जो है स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और यहाँ एंडिंग भी रेस्ट सी पे भी रेस्ट हो गया रफ सरफेस का हमें चाहिए था कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन तो हम लोग प्लान करेंगे ए टू बी मोशन फ्रॉम ए टू बी हम लोग जानते हैं मोशन और मोशन फ्रॉम ए टू बी ए टू बी तो so, इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस टू और ए एस तो v का मतलब v b स्क्वायर और u स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस टू एसलेसन इज इक्वल टू जी लेसन जो हुआ वो g और साइन फाइव स्मूथ सरफेस है इन टू एल तो स्पीड एट पॉइंट b जो हुआ अंडर रुट और टू और g और l और साइन फाइव ये है एसलेसन एट पॉइंट स्पीड एट पॉइंट बी बी पॉइंट पे जो स्पीड हुआ वो ये है स्पीड एट पॉइंट बी एस ठीक है अब हम लोग प्लान करेंगे मोशन फ्रॉम बी टू सी सो फाइनली नेक्स्ट मोशन फ्रॉम बी टू बी सी मोशन फ्रॉम बी टू सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू और ए एस तो वी फाइनल स्पीड तो जीरो है और इनिशियल स्पीड में ये आ जाएगा ये स्पीड यहाँ पे क्योंकि तो ये वी स्पीड ऑफ पॉइंट बी पॉइंट बी का स्पीड ये इनिशियल हो जाएगा तो ये हो गया टू और जी और एल साइन फाइव और प्लस और टू और रफ सरफेस का एक्सलेशन हो जाएगा जी और साइन थीटा माइनस म्यू प्लॉस थिएटर प्लेन का डिस्टेंस सेम है वो एल एल सेम रहेगा तो टू जी एल कैंसिल हो गया तो ये जीरो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाइव फाइव है यहाँ पे फाइव फाइव कॉस फाइव फिर प्लस साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो जी टू साइन फाइव इज इक्वल टू म्यू कॉस फाइव so mu is equal to 2 tan phi 2 into tan phi 2 tan phi ये है आंसर ऐसा सो टू टेन फाइव मैं चेक कर लेता हूं हाँ है तब आसान सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और ये आईडी मेन का पुराना क्वेश्चन है और आईडी मेन 2020 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रेजेंट करता हूं मैं क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई टी मेन का आपको मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये क्वेश्चन जस्ट हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ट्वेल्व uh, हो गया ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और आई टी मेन ये है टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन आया हुआ एकदम आसान सा क्वेश्चन फिगर मैंने वही रखा है और उधर भी मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि उसी से मैं बना लूंगा तो ये फिगर में लिखा हुआ है कि बी टू सी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस टू एल है ये स्मूथ है और C टू A जो है इसका डिस्टेंस वनली L है ये रफ है और यहाँ एंगल जो है वो थीटा यहाँ फाइनल नहीं है एंगल है थीटा फाइनली जो है ब्लॉक जो है वो A पॉइंट पे रेस्ट में आ गया और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से हमें चाहिए म्यूजिकॉल टू के टेन थीटा में K का वैल्यू ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था आई टी मेन का क्वेश्चन चलिए चेंजेस देखते हैं क्या क्या हम लोग चेंजेस करेंगे यहाँ पे तो ये वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस 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 के जगह यहाँ पे साइन मैथ थीटा कह रहा हूँ एस के जगह यहाँ पे टू एल हो जाएगा सो so ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फोर हो गया फोर जी एल और साइन थीटा हो गया फोर जी एल साइन थीटा ये स्पीड ऑफ पॉइंट बी हो गया अभी uh, नहीं स्पीड ऑफ पॉइंट सी सी स्पीड ऑफ पॉइंट सी ये है सी बी टू सी मोशन फ्रॉम बी टू सी स्पीड ऑफ पॉइंट सी ये स्पीड ऑफ पॉइंट सी हो गया फिर मोशन फ्रॉम सी टू ए मोशन फ्रॉम सी टू ए सी टू ए के लिए अब हम लोग प्लान करेंगे फाइनल स्पीड जीरो हुआ और इनिशियल स्पीड में यहाँ फोर जी एल फोर जी एल और साइन थीटा हो जाएगा और प्लस टू और जी एल ये सब सेम रहेगा ये है थीटा और ये है थीटा और इस बार लेंथ है एल एल रहेगा तो टू जी एल कॉमन हो गया तो टू जी एल कॉमन निकल ले गया तो यहाँ टू जाएगा टू साइन थीटा और प्लस यहाँ पे साइन थीटा और माइनस म्यू थीटा ये चेंजेस हुआ आपका तो ये है थ्री साइन थीटा लेफ्ट साइड है थ्री साइन थीटा जो इक्वल टू तो म्यू कॉस थीटा सो म्यू का वैल्यू हुआ वो है थ्री टैन और थीटा थ्री टैन थीटा और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो म्यू का वैल्यू जो है वो के थिएटर और दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो के का वैल्यू जो आ गया वो थ्री सो कंपेयर करेंगे के के का वैल्यू जो हो गया वो थ्री ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो क्लास में पूछा जाता है क्वेश्चन ये इसमें तो फ्रिक्शन है भी नहीं और सिंपल पैकेज में था क्वेश्चन की एक इंक्लाइन प्लेन है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है एंगल 60 डिग्री है और एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और उसमें लगा टाइम T1 और दूसरा ब्लॉक वहाँ से ड्रॉप कर रहा है तो उसमें लगा टाइम T2 तो मुझे T1 और T2 में रिलेशन चाहिए तो मान लीजिए कि ये हाइट है h ये हाइट h हुआ ठीक है और ये लेंथ है l ये लेंथ l हुआ और अगर ऐसे स्मूथ में यहाँ आएंगे इस रास्ते से आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए कि हम लोग बात करें ए ए से बी और ये रास्ता है सी तो हम लोग बात करें ए टू बी के लिए ए से बी जो स्लाइड करते आएंगे तो एस इज इक्वल टू और यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर तो ये हुआ एल और ये जीरो है और हाफ एक्सिलेशन जो होता है वो जी साइन थीटा जी साइन थीटा और टी वन स्क्वायर सो यहां से टी वन आ गया वो हो गया अंडर रुट और टू और एल और डिवाइड बाई जी और साइन थीटा ठीक है साइन थे थिएटा का मतलब हो गया सिक्सटी डिग्री ये ऐसा ठीक है साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू सो ये हुआ अंडर रुट और टू और एल और डिवाइड बाई जी और साइन थेटा यह है रूट थ्री और बाई टू एस ये है क्वेश्चन नंबर वन आप एस छोड़ देंगे टी वन छोड़ दीजिए ऐसा टी वन यह है क्वेश्चन नंबर वन करना हो तो वन कर सकते हैं ठीक और आप जानते हैं कि अगर ए टू सी ड्रॉप करना है वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम लोग जानते हैं कि ए टू सी अगर यह ड्रॉपिंग है तो टाइम अंडर रुट टू एच बाई जी होता है तो अंडर रूट टू एच बाई जी तो अंडर एच बाई जी होगा तो अंड यह है क्वेश्चन नंबर टू ये अब हमें वन बाई टू डिवाइड करना है और टी वन इज टू टी टू सो वन बाई टू सो टी वन और बाई टी टू टी वन अंडर रूट फोर एल बाय जी रूट थ्री ये है और यहां पे टू एच बाई जी टू एच बाई जी ठीक है सो जी और जी कैंसिल हो गया और इस तरह रिजल्ट जो हो गया अंडर रुट अंडर रुट जो हो गया वो टू एल बाई एच और रूट थ्री ये ये रिजल्ट है अंडर रुट टू एल बाई एच रूट थ्री ये रिजल्ट हो गया और एल और एच में रिलेशन चाहिए तो वो तो आप बन ही जाएगा आप जानते हैं बताइए ये है ये है एच और ये है, है एल और ये एंगल है सिक्सटी डिग्री ऐसे सिक्सटी डिग्री है तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस साइन कर लेते हैं साइन सिक्सटी डिग्री कर देते हैं तो साइन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू एच और बाई एल तो एच इज़ इक्वल टू एल और रूट थ्री बाई टू ऐसे तो एच इज इक्वल टू एल रूट थ्री बाई टू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट टू एल बाई जी बाई एच एच के जगह एल और रूट थ्री और बाई टू और यहाँ पे रूट थ्री सो ये कैंसिल हो गया और ये है टू बाई रूट थ्री मैं चेक करूँगा नहीं कुछ गड़बड़ हो गया एक बार रीड करने दीजिए वो रेडी ब्लॉक इट्स स्लाइड डाउन द स्मूथ इनक्लाइन प्लेट मेक एन एंगल सिक्सटी डिग्री विथ वर्टिकल थोड़ा सा रीडिंग मिस्टेक हो गया एंगल लिखा हुआ है सिक्सटी डिग्री विथ वर्टिकल प्लीज करेक्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सिक्सटी डिग्री विथ वर्टिकल लिखा हुआ है तो सिक्सटी डिग्री विथ वर्टिकल का मतलब ये एंगल जो होगा वो है थर्टी डिग्री ये एंगल थर्टी डिग्री होगा वो मिस्टेक हो गया यहाँ क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आप चेक कर लेंगे सिक्सटी डिग्री विथ वर्टिकल थोड़ा मिस्टेक हुआ तो ये है एंगल थर्टी डिग्री आप सारा जगह करेक्शन करना होगा तो थर्टी डिग्री का मतलब वन बाई टू और वन बाई टू एल बाई टू यह है एंगल थर्टी डिग्री सब में करेक्शन करना होगा ये एंगल है थर्टी uh, डिग्री तो वन बाई टू और वन बाई टू तो ये हो गया फोर uh, ऐसे ऐसा सो ये कोई चेंजेस नहीं है और ये है आपका टी वन तो फोर एल बाई जी ये रूट थ्री नहीं रहेगा सो अंडर रूट टू एच बाई जी सही है सो यहाँ पे हो गया टू बाई एच टू एल बाई एच और एल एच के जगह एल बाई टू सो अंडर रूट फोर पुट करेंगे टू एल और एच के जगह हमें रखना है एल बाई टू सो इस तरह टी वन इज टू टी टू रूट फोर टू इज टू वन आंसर ये है टू इज टू वन ये सो so सिंपल ही क्वेश्चन था थोड़ा सा यहाँ रीडिंग मिस्टेक हुआ था तो करेक्शन कर लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, ये नीट का क्वेश्चन है अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था एकदम आसान सा थ्री ब्लॉक है बट सबका मास सेम है लिखा हुआ है ये एम टू एम थ्री ये रफ सरफेस है और ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है उसका एस चाहिए एकदम आसान सा आप इस फिगर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी बना सकता हूँ कि ये है एक ब्लॉक एम है और यहाँ भी एक ब्लॉक है एम है ये एक ब्लॉक हुआ ये भी एम है क्योंकि तो सब आइडेंटिकल ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक हुआ जो कि ऐसे यह है ब्लॉक एम और इसका मोशन हो रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसलेन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है ऐसे या फिर आप कह सकते हैं इसका मोशन ऐसे ऐसे चलिए देखते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स है ये एम हो गया फोर्स ये रस्सी में फोर्स ये टेंशन T1 है यही टेंशन यहाँ चला जाएगा T1 यही टेंशन यहाँ चला जाएगा T2 और ये टेंशन हो जाएगा T2 और ये मोशन है तो इस पर फ्रिक्सन फ्रिक्सन जो हो गया F1 और इस पर फ्रिक्सन जो है वो F2 ये बराबर ही है क्योंकि दोनों तो आ, सेम ब्लॉक है सेम मास है सेम नॉर्मल रिएक्शन होगा तो यहाँ फ्रिक्शन यहाँ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन टू एन और फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू और एन एन की जगह एम जी लिख सकते हैं अगर इसका एक्सलेसन ए है तो पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है ये भी एक्सलेसन ए इसका भी एक्सोलेसन ए थ्री इक्वेशन है और हमें जस्ट ऐड करना है हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सन तो फोर्स फोर्स यहाँ लगाएंगे तो एम जी और माइनस टू एम इंटू ए यहाँ इसके लिए पढ़ेंगे तो T1 और माइनस टी और माइनस फ्रिक्सन इज इक्वल टू एम इंटू ए और इसके लिए पढ़ेंगे तो T2 और माइनस फ्रिक्सन इज इक्ल टू और एम इंटू ए यह है इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट ब्लॉक के लिए सेकेंड ब्लॉक के लिए और थर्ड ब्लॉक के लिए ये तीनों को ऐड करना है हम लोग को ऐड जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ गया सो वन प्लस टू प्लस थ्री वन प्लस टू और प्लस थ्री वन टू थ्री आप ऐड कर देंगे जैसे ही ऐड करेंगे तो ये T1 वन कट जाएगा T2 टू कट जाएगा और एम जी माइनस टू फ्रिक्सन इज इक्ल टू थ्री और एम इंटू ए फ्रिक्शन इज ईक्ल टू म्यू एम जी सो यहाँ से एम और जी कॉमन निकाल देंगे तो वन माइनस टू और म्यू और इज इक्ल टू थ्री एम इंटू ए सो फ्रिक्सन इज ल टू म्यू एम जी सो टू म्यू एम कट जाएगा तो एक्सलरेसन जो हुआ वो जी बाई थ्री वन माइनस टू में so, जो है वो जी बाई थ्री वन माइनस टू में ये है आंसर नेक्स्ट चेक कर लेता हूं मैं जी बाई थ्री वन माइनस टू में नेक्स्ट सो so, ये भी नीट का क्वेश्चन है छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ड्राइंग नहीं था स्टेटमेंट था जिसका ड्राइंग आप करेंगे तो ये रिजल्ट हो गया कि M1 वन है रफ टेबल पे है और M2 टू हैंग किया हुआ है और ये मोशन कर रहा है तो मुझे रस्सी में टेंशन चाहिए तो एकदम आसान सा आप जानते हैं कि यहाँ पे ये हुआ आ, आपका एम और जी और इस रस्सी में टेंशन हो गया टी मोशन है इधर की तरफ तो एसोलेसन एफकोर्स ये भी एसोलेसन ए रहेगा और रस्सी में टेंशन है टी हाँ ये मोशन आगे करेगा तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में ठीक है अब प्लानिंग करते हैं आपका सिंपल सा इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेन सो फोर्स इसके लिए पढ़ेंगे तो एम टू और जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम टू इन टू ए और इसके लिए पढ़ेंगे तो टी और माइनस फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यूके और एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए सो so, ऐड कर लेंगे फ्रिक्शन आप जानते हैं यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के और एन और फ्रिक्शन म्यू के एन का मतलब हुआ एम वन जी यह है फ्रिक्शन सॉल्व कर लेंगे ऐड करिए तो जैसे इसको ऐड कर रहे हैं ऐड करेंगे तो ये है एम टू माइनस म्यू के इन एम वन और इन जी सो एक्सलेशन और एम वन प्लस एम टू सो so एक्सलेशन जो है वो है एम टू माइनस म्यू के इंटू एम वन और डिवाइड बाई एम टू प्लस एम वन इंटू जी ये है तो ये हो गया हम लोग का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही है फ्रिक्शन में तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे